अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 9 है माउंटेन को पेमाई पहाड़ों पे चढ़ना। कंकरिंग माउंटेन्स पहाड़ों को सर करना या पहाड़ों को फतह करना। हैज़ ऑलवेज हमेशा रहा है, फैसिनेटेड दिलदादा द मैन आदमी। फैसिनेटेड होते हैं किसी चीज़ को अपनी तरफ माइल कर लेना, गर्विदा करना, मतवज्जो होना, दिलदादा होना, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो आप करना चाहते हो, ठीक है, कोई पुरकशिश चीज़। कंकरिंग माउंटेन पहाड़ों को फतह करना या पहाड़ों को सर करना। हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड द मैन, हमेशा से आदमी या इंसान इसका दिलदादा है, हमेशा से ही उसने इस चीज़ को पसंद किया है। माउंटेन क्लाइंबिंग पहाड़ों पर चढ़ना इज़ अ रिस्की, ये ख़तरे की बात है, मतलब ये रिस्की है, एक रिस्की काम है, ख़तरे वाला काम है। एंड डेंजरस, और ख़तरनाक है स्पोर्ट खेल। रिस्की भी वही बात है और डेंजरस भी वही बात है, ठीक है, ख़तरनाक, दोनों का मतलब ख़तरनाक ही है। माउंटेन क्लाइंबिंग पहाड़ों पर चढ़ना इज़ अ रिस्की, एक पुरखतर एंड डेंजरस और ख़तरनाक खेल है। बट लेकिन इट इज़ फुल ऑफ, लेकिन ये भरपूर है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रिल, ये गैर मामूली जुनून से, किससे भरपूर है, गैर मामूली जुनून से भरपूर है, ऑफ एक्साइटमेंट एंड स्पिरिट, जोश और जज्बा, ऑफ एडवेंचर मुहिम जोई का, एडवेंचर करने का जो जोश और जज्बा होता है ना इंसान में, वो उसको जुनून बना देता है, ठीक है। लेकिन मुहिम जोई का जोश और जज्बा एक गैर मामूली जुनून से भरपूर है। विच इवन जो हत्ता के द क्लाइमर्स कैनॉट, क्लाइमर्स कोपेमा पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, क्लाइमर्स कोपेमा कैनॉट एक्सप्लेन कम्प्लीटली, जो हत्ता के कोपेमा मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। Despite the fact, इस हकीकत के बावजूद, इस सारी हकीकत, इस ख़तरे के बावजूद, that के it involves, इसमें शामिल है the highest risk, कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा शामिल है, इसे ये जानते हुए, मतलब इस हकीकत को जानते हुए, इस हकीकत के बावजूद कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा शामिल है, it does not discourage, ये हौसला शिकनी नहीं करता, इट डज़ नॉट डिस्करेज, फिर भी जो क्लाइंबर्स होते हैं वो डिस्करेज नहीं होते, फिर भी वो पीछे नहीं हटते। इट डज़ नॉट डिस्करेज, ये हौसला शिकनी नहीं करता द क्लाइंबर्स कोपेमाउंटी फ्रॉम अंडरटेकिंग अंजाम देने से द मिशन ऑफ माउंटेनियरिंग, कोपेमाई के मिशन को, पहाड़ों पर चढ़ने का जो उनका मिशन है, कोपेमाई के मिशन को अंजाम देने में, ये जो क्लाइमर्स हैं कोपेमाओं की हौसला शिकनी नहीं करता, मतलब सारे खतरात के बावजूद वो फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं। वंस, एक मरतबा, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग असाइनमेंट, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम था, वास्ता टुकंकर सर करना या फतह करना, द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, एक दफ़ा जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी को सर करना था, किसको, माउंट एवरेस्ट को, एक दफ़ा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने का मुश्किल काम था, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। दिस ड्रीम केम ट्रू, ये ख्वाब सच हुआ, जब टेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमंड हेलरी कंकर्ड, ये ख्वाब सच हुआ वैन जब टेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हेलरी ने कंकर्ड सर कर लिया, इसे फतह कर लिया इन 1953 में। द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने एडमायर्ड
एडमायर तारीफ की या सराहा दिस ग्रेट टास्क इस अजीम काम को, पूरी दुनिया ने इस अजीम काम की तारीफ की। सिंस देन तब से, सिंस देन तब से मतलब उस वक्त से, द क्लाइंबर्स को पेमाऊ, द क्लाइंबर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के को पेमाऊ का, हैव ऑलवेज ट्राइड दुनिया के को पेमाऊ ने, हैव ऑलवेज ट्राइड हमेशा कोशिश की, टू क्लाइम, टू क्लाइम चढ़ने की, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, तब से या उस वक़्त से दुनिया के को पेमाओं ने, दुनिया के को पेमाओं ने हमेशा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। अ माउंटेनियर मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, अ माउंटेनियर एक को पेमा में मस्ट हैव ज़रूर होनी चाहिए द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मुहिम जोई का जज्बा लाजमी होना चाहिए या ज़रूरी है। दिस विल इनक्रेज, दिस विल इनक्रेज ये हौसला अफजाई करेगा, हिम उसकी टू कंटिन्यू जारी रखने में, हिज स्ट्रगल उसकी कोशिश, फॉर क्लाइंबिंग द पीक चोटी पर चढ़ने के लिए, टिल यहाँ तक ही कंकर्स इट यहाँ तक कि उसे फतह कर ले। अ माउंटेनियर एक को पेमा में मुहिम जोई का जज्बा लाजमी लाजमी है। दिस विल इनकरी यह हौसला अफजाई करेगा, ये उसका ये उसकी चोटी पर चढ़ने की जो कोशिश है उसको जारी रखने में उसकी हौसला अफजाई करेगा, यहाँ तक कि वो इसे फतह कर ले या जब तक वो इसे फतह नहीं कर लेता। ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड उसे लाजमी तैयार रहना चाहिए, टू एक्सेप्ट कबूल करने के लिए द चैलेंजेस मुकाबला ऑफ रिस्क खतरात एंड हार्डशिप्स और मुसीबतों का, वाइल क्लाइंबिंग, वाइल क्लाइंबिंग मतलब चढ़ते हुए, वाइल क्लाइंबिंग नैरो लेज़ तंग किनारों पर चढ़ते हुए, एंड स्टीप हिल साइड्स और ढलवान पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान, उसे तंग किनारों और ढलवान पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान मुसीबतों और मुश्किलात मुसीबतों और खतरात के मुकाबले जो खतरात हैं उनके चैलेंजेस को कबूल करने के लिए, जो मतलब रास्ते में मुश्किलात और खतरात आएंगे उसके चैलेंजेस को कबूल करने के लिए उसे तैयार, उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। दोबारा सुने, उसे तंग किनारों और ढलवान पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान खतरात और मुश्किलात के जो चैलेंजेस हैं या मुकाबले को कबूल करने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है या तैयार होना चाहिए। ही नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ही नीड्स उसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली करेज हौसले की, उसे गैर मामूली हौसले की ज़रूरत है, टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, हिज मिशन अपना मिशन या अपना काम इन बैड वेदर कंडीशन खराब मौसमी हालात में, एज वेल एज इसके साथ साथ इन डेंजरस सिचुएशन और ख़तरनाक हालात में, उसे ख़राब मौसमी हालात और उसके साथ साथ खतरनाक हालात में अपने काम को जारी रखने के लिए गैर मामूली हौसले की ज़रूरत है। माउंटेनियरिंग इज़ अ क्लासीफाइड, माउंटेन को पेमाई जो है इज़ अ क्लासीफाइड, इसकी दर्जाबंदी की गई है, ठीक है, ये एक दर्जाबंदी की गई है, एक मुनकसम किया गया खेल है। माउंटेनियरिंग इज़ अ क्लासीफाइड एंड वेल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट, को पेमाई एक दर्जाबंदी किया गया एंड वेल ऑर्गेनाइज और अच्छा मुनज़म और एक अच्छा मुनज़म खेल है। देर आर अ नंबर ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में बकायदा जो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, बकायदा अदारों की एक तादाद है। वेयर जहाँ इस खेल को टाट सिखाया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक अलग मजमून के तौर पर या एक अलहदा मजमून के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है। द मोस्ट एडवांस्ड सबसे ज़्यादा जदीद एंड परफेक्ट टूल्स, द मोस्ट एडवांस सबसे ज़्यादा जदीद एंड परफेक्ट टूल्स और बेहतरीन आलात एंड किट्स और किट्स आर यूज्ड इस्तेमाल की जाती हैं टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए द सेफ्टी तहफ्फुज़ को ऑफ क्लाइंबर्स को पेमाओं की।
कोपेमाओं की हिफाजत, कोपेमाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, कोपेमाओं की हिफाजत को, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जदीद और बेहतरीन आलात और किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। द स्टूडेंट्स इन द डिसिप्लिन, द स्टूडेंट्स इन द डिसिप्लिन, इस शोबे में जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं ऑफ माउंटेनियरिंग, कोपेमाई के शोबा के जो तलबा हैं, आर ट्रेंड, उनकी तरबियत, उनको आर ट्रेंड, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको तरबियत दी जाती है टू हैंडल, इस्तेमाल करने की द इक्विपमेंट, साजो सामान को, इक्विपमेंट साजो सामान को, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, देमसेल्व्स अपनी, टेक केयर ख्याल रखने के लिए या देखभाल करने के लिए, देमसेल्व्स अपनी, वाल क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, पहाड़ पर चढ़ते हुए, ठीक है। इस शोबे में कोपेमाई के शोबे में तलबा को अपनी हिफाजत करने, यानी कि वाइल्ड क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ने के दौरान अपनी हिफाजत करने के लिए साजो सामान को इस्तेमाल करने के लिए तरबियत दी जाती है। दिस हैज़ रिड्यूस्ड, ये कम कर देता है, मतलब अगर साजो सामान का इस्तेमाल करना आता है ना किसी भी जो कोपेमा है, ठीक है, माउंटेनियर है, तो फिर ये रिड्यूस्ड कम कर देता है, दिस हैज़ रिड्यूस्ड, ये कम कर देता है, ये इससे कम हो जाता है, दिस हैज़ रिड्यूस्ड द रिस्क, ये खतरात को कम कर देता है, बट स्टिल, लेकिन अभी तक देयर हैव बीन इंस्टांसिस ऑफ द लॉस ऑफ वैल्यूएबल लाइव्स, लेकिन अभी तक कीमती जानों के जो लॉस होने की, कीमती जानों के खो जाने की मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। मोहम्मद अली सरपारा, वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट सेलिब्रेटेड क्लाइंबर्स, पाकिस्तान के मशहूर कोपेमाओं में एक मोहम्मद अली सरपारा हैं, हु हैड असेंडेड, जो चढ़ा 8 ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, जो दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, लॉस्ट हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी खो दी, अलॉन्ग विद हिज टू अदर फेलो क्लाइंबर्स, अपने दो दूसरे साथी कोपेमाओं के साथ अपनी ज़िंदगी खो दी, इन एन अटैम्प्ट कोशिश में एट क्लाइंबिंग, केटू चढ़ने में इन विंटर, सर्दियों में ऑफ द ईयर 2021, साल 2021 में। मोहम्मद अली सतपारा जो है वो पाकिस्तान के मशहूर कोपेमाओं में से एक था, जिसने अपनी ज़िंदगी कब खोई, जब वो केटू पहाड़ पर चढ़ने की जब उसने कोशिश की, वो भी सर्दियों के मौसम में, साल 2021 में। दिस स्पोर्ट, ये खेल, इज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ये खेल मुश्किलात एंड हार्डशिप्स और मुसीबतों से भरपूर है, ये खेल मुश्किलात और मुसीबतों से भरपूर है। As someone कोई स्टार्ट शुरू करता है क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ना शुरू होता है, द ऑक्सीजन बिकम्स लेसर, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, विच मेक्स, जो बना देती है ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्ट, मुश्किल, जो सांस लेना दुश्वार बना देती है। इन दीज सर्कमस्टांसिस, इन हालात में, द सप्लाई फ्राहमी ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, मसनूई ऑक्सीजन की फ्राहमी इज असेंशियल, ज़रूरी है, इन हालात में मसनूई ऑक्सीजन की फ्राहमी ज़रूरी है, एंड इट शुड बी यूज्ड, और इसे इस्तेमाल करना चाहिए बाय द माउंटेनियर कोपेमा को कंटिन्यूसली सर टू अवॉइड, बचने के लिए एनी एक्सीडेंट, किसी भी हादसे से, और इसे, और एक कोपेमा को मुसलसल किसी भी हादसे से बचने के लिए इसे मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए। एज द क्लाइंबर जैसे ही कोपेमा गो हायर ऊंचाई पे जाता है, द वेदर, मौसम बिकम्स, हो जाता है अनप्रिडिक्टेबल, नाकाबले पेशगोई या गैर मुतवक्को, अनप्रिडिक्टेबल, नाकाबले पेशगोई हो जाता है, एंड देयर मे बी एन अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, और गैर मुतवक्को तूफान भी हो सकता है। इन द स्टॉर्म, तूफान में, गैर मुतवक्को मतलब नाकाबले पेशगोई मौसम, इस तरह से कि आपको मतलब पता नहीं होता, अचानक से मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है। इन द स्टॉर्म तूफान में द विंड्स आर सो स्ट्रॉन्ग, हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, दैट के द क्लाइंबर्स टेंट, कोपेमा का खैमा, मे बी स्वेप्ट अवे, उखड़
सकता है। ये क्लाइंबर का हवाएं इतनी तूफान में हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि वो पेमा का खेमा उखड़ सकता है। ओकेनली बाजुकात, ओकेनली बाजुकात इट स्टार्ट्स टू स्नो, बर्फबारी शुरू हो जाती है। वायर वन इज क्लाइंबिंग अप द पीक, जब कोई पीक चोटी पर जा रहा होता है या चोटी पर चढ़ रहा होता है तो बर्फबारी शुरू हो जाती है। बट लेकिन द माउंटेनियर हैज़ टू कंटिन्यू, लेकिन कोपेमा को हैज़ टू कंटिन्यू जारी रखना पड़ता है हिज मिशन, अपना मिशन या अपना काम, विद आउट बगैर बींग डॉन्टेड बाई इट, घबराए बगैर, इससे घबराए बगैर, यानी कि मौसम से घबराए बगैर। लेकिन कोपेमा को इससे घबराए बगैर अपने मिशन को जारी रखना पड़ता है। द एडवेंचरस माउंटेनियर, बहादुर कोपेमा, द एडवेंचरस माउंटेनियर बहादुर कोपेमा टेक्स लेते हैं दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इस किस्म के मसाइल को विद इज आसानी के साथ, यानी कि जो बहादुर कोपेमा हैं वो इस किस्म के मसाइल को आसान समझते हैं या आसान लेते हैं। एंड कीप्स और रखते हैं द आई अपनी नज़र ऑन हिज गोल, अपनी मंजिल पर, और जो अपनी नज़र है वो उसे, उनकी नज़र जो है वो अपने गोल पर होती है, अपने मकसद पर होती है। द क्लाइंबर्स कोपेमा वॉक्स, चलता है थ्रू द सॉफ्ट स्नो टू क्लाइंब अप, द क्लाइंबर कोपेमा क्लाइंब अप ऊपर चढ़ने के लिए नरम बर्फ़ पर चलता है। He has to keep himself, उसे अपने आप को रखना पड़ता है well protected, अच्छे तरीके से महफूज during this task, इस काम के दौरान। He has to keep himself well protected during this task, उसे इस काम के दौरान, इस टास्क के दौरान अपने आप को बेहतरीन या अच्छे तरीके से महफूज रखना पड़ता है। Otherwise वरना he will have to face danger of getting frostbite. Otherwise वरना he will have to face danger of getting frostbite. वरना उसे सरमाजदगी के हो जाने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। As a result, इसके नतीजे में some part of his body, इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में some part of his body, उसके जिस्म के कुछ हिस्से may become completely numb, कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से मुकम्मल तौर पर बेहिस हो सकते हैं और even damage या फिर तबाह हो सकते हैं due to stoppage of blood circulation या फिर खून की गर्दश के बंद होने से उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो नकारा हो सकता है। आल दो अगरचे द फिज़िकल स्ट्रेंथ, जिस्मानी कुव्वत इज़ इसेंशियल, ज़रूरी है, अगरचे जिस्मानी कुव्वत ज़रूरी है, मतलब इसके लिए इंसान के जो जिस्म का मजबूत होना वो भी ज़रूरी है, जिस्मानी कुव्वत ज़रूरी है। अ माउंटेनियर एक कोपेमा को आल्सो शुड हैव, भी होनी चाहिए स्पिरिचुअल पावर, रूहानी ताकतें स्पिरिचुअल पावर्स, रूहानी ताकतें ऑफ माइंड, दिमाग की एंड हार्ट और दिल की, एक कोपेमा के पास दिमाग और दिल की रूहानी ताकतें भी होनी चाहिए। एज दे विल प्रोवाइड हिम जो उसे मुहैया करेंगी विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत कुव्वते इरादी एंड द हीरोइक करेज, और अजीम हौसला। अगर इंसान का जो है वो जिस्मानी कुव्वत होगी या उसके दिमाग और दिल की रूहानी ताकतें उसके पास होंगी तो वो उसे मजबूत कुव्वते इरादी और अजीम हौसला फराहम करेंगी टू अचीव हिज गोल, अपना मकसद हासिल करने में। अगरचे जिस्मानी कुव्वत ज़रूरी है एक कोपेमा के पास दिमाग और दिल की रूहानी ताकतें भी होनी चाहिए जो उसके मकसद को हासिल करने में उसे मजबूत कुव्वते इरादी और अजीम हौसला फराहम करेंगी। द माउंटेनियर इज़ अवेयर आगाह होता है ऑफ़ द डेंजर्स, खौफ से एंड रिस्क और ख़तरात से, ऑफ इट इसके
जो माउंटेनियर है वो इसके खौफ और ख़तरात से आगाह होता है। माउंटेनियर को पता होता है कि रास्ते में हमें बहुत सारे ख़तरात हो सकते हैं। कोपेमा इसके खौफ और ख़तरात से आगाह होता है, बट लेकिन ही फियरलेसली, वो बेखौफी से एंड ब्रेवली और बहादुरी से अटैम्प्ट कोशिश करता है टू कंकर सर करने की द पीक चोटी को। फिर भी वो बेखौफ और बहादुरी से चोटी को सर करने की कोशिश करता है। नोइंग द फैक्ट इस हकीकत को जानते हुए दैट के ही माइट नेवर रिटर्न, ये जानते हुए कि शायद वो कभी ना लौटे, उसे ये इस हकीकत का पता होता है कि हो सकता है कि वो वापस ना लौटे। नोइंग द फैक्ट इस हकीकत को जानते हुए दैट के ही माइट नेवर रिटर्न, कि वो दोबारा वापस ना लौटे। दस पस माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एंड चैलेंजिंग और दुश्वार स्पोर्ट खेल है। द माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना सबसे ख़तरनाक और दुश्वार खेल है। एंड इट्स स्ट्रेंथ्स और ये मजबूत करता है द क्वालिटीज़, खसूसियात को ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की, एंड करेज और हिम्मत की इन द स्पोर्ट्समैन और खिलाड़ियों में। पहाड़ों पर चढ़ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और दुश्वार खेल है, और ये खिलाड़ियों में हिम्मत और बहादुरी की खसूसियात को तकवीत देता है या उस चीज़ को मजबूत करता है। मतलब वो मज़ीद मजबूत हो जाते हैं, मज़ीद बहादुर हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।